चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 1 2 3, हाँ ये वाले क्वेश्चंस ना हमारे रह गए जो उसमें कार्डिनलिटी की बात करते हैं, तो कार्डिनलिटी वाले रह गए और एक उसका रह गया था एक क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है स्टोकास्टिक में जो है ना स्पार्क वाला क्वेश्चन रह गया, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और ये कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन ही रह गया, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये लास्ट वाला क्या है, पहले थर्ड वाला देखता हूँ क्या है, क्योंकि पहला दोनों तो मुझे कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन विद रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तो एक्स एन हमारा है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर में, और आपको दे रखा है यहाँ पे फॉर द गिवन सिग्मा, एफ सिग्मा डिनोट द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ दिस, क्या लिख रखा है, एंड दिस एस, और टी वन है समेशन एक्स आई स्क्वायर, और टी टू है आपका एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वी एंड एनी अल्फा बिटवीन 0 और 1 का स्क्वायर अल्फा डिनोट करता है दिस। ठीक है, उसका आई की प्रॉपर्टी अल्फा है, और आप टेस्ट कर रहे हो एच नॉट जो कि है सिग्मा बराबर 1, और एच वन जो कि सिग्मा है मोर देन 1, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है। तो पूछ रहा है कि देखो पहली बात यह है कि आपको सिग्मा के लिए टेस्ट करना है, तो मुझे ये बताओ नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर में सफिशियंट एस्टिमेटर क्या आता है। सर इसमें समेशन एक्स आई स्क्वायर। समेशन एक्स आई स्क्वायर आएगा ना, तो ये सफिशियंट एस्टिमेटर आएगा। तो होता क्या है कि कोई भी जो भी आपका टेस्ट आप कर रहे हो यहाँ पे, तो ये थ्योरम है कि एस जो है हमारे पास एस सेट ऑफ क्या बोलते हैं फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव मोनोटोन लाइकलीहुड रेशियो इन सफिशेंट एस्टिमेटर। तो पहली बार टी टू वाले आउट हो गए, ठीक, तो तुम्हारा ए या बी करेक्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन है। ओके सर, हाँ तो सफिशेंट एस्टिमेटर में आता है, और उसके बाद अब आपको क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है। तो सिंपल देख लेना है कि किसमें साइज अल्फा आएगा, तो आसान है। जैसे पहला देखो, अगर आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वन स्क्वायर मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा, सो अकॉर्डिंग टू अगर जो मैं बनाता हूं तो ये काई स्क्वायर एन अल्फा है, क्या लगता है इसके आए की प्रोबेबिलिटी कितनी है नोटेशन के हिसाब से जो हम फॉलो करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी काई स्क्वायर एन अल्फा के आगे। अल्फा, अल्फा ये अल्फा है, और दूसरा वाला जो बी ऑप्शन में दे रखा है उसने कि दे रखा है प्रोबेबिलिटी टी वन मतलब टी वन जस्ट जस्ट टी वन मोर देन काई स्क्वायर एन वन माइनस अल्फा, तो इसके हिसाब से कि ये जो नंबर है काई स्क्वायर एन वन माइनस अल्फा, तो इधर वन माइनस अल्फा इधर अल्फा आ जाएगा, तो आपको रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी अल्फा किस में मिल रही है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन यस सर, सर यस सर, यस सर, ठीक यही ट्रू है। है ना, तो पहले तो आपको देखना है सफिशियंट एस्टिमेटर क्या है, तो उससे डिसाइड होगा कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो किस में एग्जिस्ट करेगी, तो सफिशियंट के लिए, ओके और सर, दूसरा आपको अल्फा कौन दे रहा है, कौन सा क्रिटिकल रीजन अल्फा दे रहा है साइज, तो पहला साइज अल्फा दे रहा है इसलिए पहला सही है, दूसरा साइज दूसरे वाले का साइज 1 माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये पहले दो हैं, 42 कह रहा है कि हमारे पास x0y हमें पीएमएफ दे रखा है, ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है, तो क्या यहाँ से हम लोग मार्जिनल निकाल पाएंगे, बताओ मार्जिनल अगर निकालूँ तो, कि प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा, कार्डिनलिटी का मतलब इधर क्या होगा, एक्स आई वाई नहीं आई। नहीं जैसे कार्डिनलिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट फॉर विच, अरे कार्डिनलिटी 1 2 3 4 है, बताओ इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है। फोर हाँ तो वही, यहाँ भी फोर कार्डिनलिटी का मतलब, इसमें क्या अलग है। फिर यहाँ पर एक्स आई इक्वल टू वाई आई क्यों क्या बोल रहा है ये? हाँ जहाँ एक्स आई वाई इक्वल है वो काउंट करना है तुम्हें, कैसे, कितने आई है जहाँ पे एक्स आई वाई आई इक्वल है, तो जितने आई मिलेंगे उसको ऐड। दो है, एक्स आई वाई इक्वल है, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, ये तो दो टॉपिक से है मतलब। अच्छा फिर तो आगे हमें ये भी तो टेस्ट करना है कि एम ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैपिटल एम का,
तो स्मॉल एम क्या होगा, लेकिन श्योरली इक्वल थोड़ी है, कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी ना उसकी इक्वल होने की, वही पूछ रहा हूँ। एक्स बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, एक्स बराबर वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है ज्वाइंट से। तो एक्स बराबर जीरो के लिए क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में ऐड कर देंगे, तो ये तो 1/2 आ जाएगी, चेक करो। और एक्स बराबर वन वन की, बाई टू आएगी सर। ये भी 1/2 आ जाएगी, फिर ऐसे ही सेम प्रोबेबिलिटी वाई बराबर जीरो आपकी 1/2 आ जाएगी, और वाई बराबर वन भी 1/2 आ जाएगी। एंड ठीक है, अब यहाँ पे जो टेस्ट करना है मुझे एच नॉट कि थीटा 1/4 है या थीटा 1/3 है, ये टेस्ट करना है बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल एक्स वन एक्स वाई वन से लेके एक्स एन वाई एन तक इस तरह से। अब यहाँ पे सिंगल रैंडम नहीं, यहाँ पे आपके पास रैंडम सैंपल एज अ वैक्टर है, ठीक है ना, एक्स एन वाई एन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि तो बताओ एक्स आई बराबर वाई आई होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या मतलब है, या मैं अगर सिंपली पूछूँ एक्स वन बराबर वाई वन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या मतलब हुआ। एक्स वन जीरो और वाई वन जीरो, एक्स वन भी वन है और वाई वन भी वन है, और चूंकि ये बता रखा होगा कि अब क्या प्रॉपर्टी जीरो जीरो और वन वन की क्या प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, जीरो जीरो हाफ वन वन के इनटू हाफ थीटा, दे मतलब रुको देखो, जीरो जीरो थीटा थीटा, हाफ हाफ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमने वहाँ पे मार्जिनल में जॉइंट का समेशन करके मार्जिनल निकाला, तो वहाँ ठीक था, यहाँ पे अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा है ना, रैंडम सैंपल है। सर तो यहाँ पे जब इसमें थीटा थीटा हो गया, हाँ टू थीटा थीटा प्लस थीटा हो गया, ये आपका टू थीटा आ गया एक्स आई वन वाई वन, ऐसे ही मतलब सारे कोई भी एक्स आई बराबर वाई आई कर दो, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी आ गई टू थीटा, एंड वैसे ही एक्स आई नहीं इक्वल होगा वाई आई के, तो ये वन माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, हाफ माइनस एक वन है एक जीरो है ना, वही ना, कि एक्स आई जीरो है तो वाई आई वन है, फिर ऐसे ही एक्स आई अगर वन है तो वाई जीरो है, तो ये 1001, तो ये हाफ माइनस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। लेकिन ये टोटल का प्रॉपर्टी ये पॉसिबिलिटी है ना, देख लो। तो अब क्या करना है आपको कि हमें बोला है लाइक द एम इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आई जहां एक्स आई वाई आई इक्वल है। इसका स्क्वायर क्यों किया है आपने सर, वो एडिशन अच्छा है ना सॉरी, तो यहाँ कितना आ सर, जाएगा, टू 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 माइनस टाइम्स टू थीटा हाँ वही, अच्छा इनटू वही मैं सोच रहा हूँ वन सम क्यों नहीं हो रहा ये यस तो सर, ना, ये हाफ माइनस टू थी, हाफ माइनस थीटा प्लस हाफ माइनस थीटा, तो 1-2 थीटा ना, ठीक है। यस सर, तो अब यहाँ से जो एम दिया है, एम इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस, तो एम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट आई सच दैट एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, और आई की वैल्यू जो है 1 से n तक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये तुम्हारे पास सैम्पल साइज n की है, तो साइज n का सैम्पल है, तो कैपिटल एम क्या होगा, इसमें कुछ इक्वल होंगे कुछ नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो लाइकलीहुड फंक्शन बनेगा इसका वैसा बनेगा, टू थीटा के पावर एन माइनस एम और 1-2 थीटा की पावर, नहीं एम है ना, तो इक्वल होने के एम थी ना, तो इसकी पावर एम होगी, टू थीटा की पावर एम इंटू 1-n-m। इसका क्या मतलब माना मैंने कि m नंबर ऑफ पॉइंट पे इक्वल है, मतलब देर आर m वैल्यूज एट विच एक्स आई वाई इक्वल, इक्वल होने की प्रॉबिलिटी कितनी थी दिस। सो ये आपका लाइकलीहुड फंक्शन आ गया थीटा के टर्म में। अब जरा इसको ट्राई करो कि अब क्या करना है आपको,
समझ आया कि नहीं? जैसे मान लो 10 डेटा पॉइंट है, तो चार पे इक्वल है, छः पे इक्वल नहीं होंगे, तो चार पे प्रॉबर्टी कितनी होगी? 2 थीटा इंटू 2 थीटा इंटू 2 थीटा इंटू 2 थीटा, है ना? सर जॉइंट सर पूरे लॉजिक मतलब L θ1 by L θ मतलब एल जी थीटा जी वो जी एल ही कीजिए पूरा सेम टेक्निक से। सर आप, लेस देन के कीजिए, क्या आता है? पुट कीजिए, एक बार थीटा नॉट को जगह रखो 1/4, और एक बार रखो 1/3, इसको डिवाइड करो, क्या आता है? 1/4, 1/3 करके। तो यहाँ से जब आप रख दोगे ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, समझ आ रहा है आप लोग को? देखो ना, इसको थोड़ा लिख दोगे तो ऐसा हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 थीटा इस पूरे की पावर कैपिटल एम, एंड 1 माइनस 2 थीटा की पावर एन, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको जरा सिंपलीफाई करके बताओ क्या आएगा। थीटा नॉट की जगह 1/4 रखो, सो एल ऑफ 1/4 अपॉन एल ऑफ 1/3 लेस देन इक्वल टू के, इसको सिंपलीफाई करो। पुट करो और बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा, चलो तुम लोग अपना खुद कैलकुलेशन करो। ना मान लो ये K1 है अभी के लिए, तो क्या मिला? तो यहाँ से आ गया, लॉग ले लो, m मोर देन इक्वल टू K1, K2 ले लो, K3 ले लो, देखो ये आंसर आएगा। ये ऑप्शन ट्रू है, क्या बात है, सॉल्व हो गया, यस सर, इसका आंसर यही है। हो गया। तो क्या लगाया मैंने यहाँ पे? यस लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट। तो सर, यहाँ पे आपने जो 1 माइनस 2 थीटा है उसमें ऊपर 1/4 और नीचे 1/3 क्यों नहीं पुट किया? यहाँ ना दे रखा है क्वेश्चन में, यस सर। सर वो नीचे जब आपने कैंसिल कर दिया ना उनको, नहीं, वो ये कट वाला गया स्टेप ना, जो, सर जैसे आप यहाँ ये पर, सेम हाँ सर वही, मतलब कि ये सेम कैसे लिया आपने? मतलब 1 माइनस 2 थीटा में ऊपर थीटा की वैल्यू 1/4 रखेंगे, रखो 1/2 1/2 बन जाएगी, रख के देखो। यस सर, 1/2 की पावर n बन जाएगी। नहीं ये तो खुद ही कट जाए, ये तो सेम सेम है ना। अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, उससे कोई यस फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वो लेकिन एक, कांस्टेंट में आ हाँ जाएगा वो ना। उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तुम सही कह रहे हो, मतलब तुम सही सोच रहे हो, वो मैंने काट दिया वैसे करके, लेकिन इट्स फाइन। वो वन n बाय टू मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो उधर हाँ, जा एन सकता कोई इफेक्ट नहीं करेगा, एन इज अ फिक्स नंबर, है। ओके सर, तो ठीक एन है सर, यहाँ पे बस कोई वही इफेक्ट नहीं करेगा। पूछना। सो 1/2 तो यहाँ की पे पर, लाइकलीहुड फंक्शन कैसे लिखे, एक बार फिर से आ हाँ जाइए। वही मेन है कि पहले मैंने ट्राई नहीं किया था ना, तो हो गया ट्राई किया, तो कोशिश करते हो जाता है। तो यहाँ से 1 माइनस 2/3, तो 1/3 की पावर n, तो ये दोनों मिलके उधर चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे यस क्या सर, हुआ, ठीक है फिर। इसने कहा था m वो नंबर है जहाँ पे xi yi इक्वल है, तो टोटल आपके पास कितने रैंडम सैंपल की साइज कितनी है आपके क्वेश्चन में? चेक कीजिए क्वेश्चन में, कितने रैंडम सैंपल की साइज कितनी है? सर एन, n है, n है। देखिए एक्स वन वाई वन यस एक हुआ, सर, मतलब जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं x1 x2 x3 xn, वो सिंगल सैंपल हो गई ना, यहाँ पे रैंडम सैंपल एज अ वैक्टर, मतलब रैंडम वैक्टर का ऐसा है, सो एक रैंडम वैक्टर है, तो n है। अब n में से m वो नंबर है जहाँ पे, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, कि आपके पास 10 रैंडम सैंपल है, तो m अगर 4 होने का क्या मतलब है?
मतलब ये क्वेश्चन चार ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ एक्स आई वाई आई सेम है, जी, इक्वल है। और बस 10 सैंपल है, तो उसमें 4 सैंपल वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे एक्स आई वाई इक्वल है, 6 ऐसी होगी जहाँ इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पावर 4 लिया, यहाँ पे पावर 6 लिया। इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2 थीटा एक सैंपल को। आप लोग लाइक्लीहुड फंक्शन क्या जानते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन? ये होता क्या हाँ सर समझ गया। है ना, सिंगल सैंपल है तो एफ एक्स आई, और डबल सैंपल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स आई वाई आई, मतलब यहाँ पीडीएफ या पीएमएफ कोई दिक्कत नहीं, ये है। तो ये मैंने लिया यहाँ पे। अब देखा जहाँ इक्वल है तो वहाँ 2 थीटा रखा, जहाँ इक्वल नहीं है तो वहाँ 1 माइनस 2 रखा। अब कितने वैल्यू जहाँ इक्वल है, देर आर एम पॉइंट्स वेयर दे आर इक्वल, क्वेश्चन कह रहा है वो, और जहाँ रेस्ट में नॉट इक्वल है। तो इक्वल होने वाले एम पॉइंट्स हैं, इक्वल नहीं होने वाले एन माइनस एम पॉइंट्स हैं। चलो ये भी हो ही गया फिर तो, और सिमिलरली पीछे वाला भी हो जाएगा ऐसे ही, देखो जरा। तो ये कह रहा है, तो ये GATE 2023 का ही क्वेश्चन था, है ना। तो ये हमने पहले छोड़ दिए थे, हालांकि ये पैरामेट्रिक टेस्टिंग का ही है ना, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो पैरामेट्रिक का ही है ओके ये। सर, और 27 करके देखो, तो 27 जो है, तो X1 X2 XN जो है IID है फ्रॉम द, ओके मीडियम टेस्ट है नॉन चेक करते हैं, पैरामेट्रिक का। ओके पढ़ लेते हैं पूरा। तो वी वॉन्ट टू टेस्ट एच नॉट जहाँ थीटा थीटा नॉट के इक्वल है, H1 जहाँ थीटा मोर देन थीटा नॉट है। अब ये कह रहा है कि कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट, तुम्हें दे रखा है रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ एस इज मोर देन सी। एस क्या है? हाँ, एस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। फिर से ये आ गया, एस मतलब कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सच दैट एक्स आई इज मोर देन थीटा, यहाँ आई मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन एन। तो ऐसा है, इसकी कार्डिनलिटी है एस, और क्रिटिकल रीजन दे रखा है एस मोर देन सी। तो पूछ रहा है आपसे कि अंडर एच नॉट एस का डिस्ट्रीब्यूशन एफ पे डिपेंड करेगा या एफ पे नहीं करेगा, पावर फंक्शन ऑफ एफ डिपेंड करेगा थीटा पे या थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके तो देखो यहाँ पे आपके सर पास मीडियन बोला है सर। कहाँ लिखा, मीडियन कहाँ है? सर मीडियन आप देखिए थीटा, पहले अच्छा। मतलब तो उसका मीडियन थीटा है डिस्ट्रीब्यूशन का, थीटा क्या है? मीडियन है, मीडियन टेस्ट है। हाँ बात, तो मीडियन या तो थीटा है या थीटा नहीं है। तो मीडियन का थीटा होने का क्या मतलब है बताओ तुम लोग, मीडियन थीटा होने का क्या डेफिनेशन मतलब है फिर से? कि सी डी एफ एट थीटा इज इक्वल टू हाफ क्या है? हाफ, हाफ है ना। तो ये है, अरे अरे मेरा फोन बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मतलब बैटरी ऑफ हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एफ थीटा आपका हाफ दे रखा है इन्होंने, मतलब टेस्ट कर रहे हैं ना, मीडियन टेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब मीडियन है ना थीटा, मीडियन है इक्वल है थीटा नॉट, क्या बोला है, कोई फिक्स नंबर है ना, क्या क्वेश्चन बोला, जहाँ फिक्स्ड हूँ नहीं ना कुछ बोला ना थीटा नॉट के बारे में? तो थीटा जो है, सर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन थीटा है ये बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन थीटा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो देखो थीटा तो यहाँ फिक्स कर दिया तुमने, अच्छा ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं, अल्फा हो जाएगा ये तो, है ना, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दिस इज द अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट। हमें पावर की बात किया है, तो पावर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन क्या, H1 H1 इज ट्रू, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन ओवर थीटा, है ना। तो ये मतलब मैक्सिमाइज करना है इस इंटरवल पे, थीटा मोर देन इक्वल थीटा नॉट पे। और एस क्या है, व्हाट इज एस, यहाँ देखो एस क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ एक्स आईज, नंबर ऑफ एक्स आईज जो कि थीटा से ज्यादा है। तो हमें बता रखा है कि थीटा मोर देन थीटा नॉट है ना, ये तो गिवन ही है कि थीटा इज मोर देन थीटा आई, और
यहाँ क्या थीटा था, थीटा नॉट था, चेक करो इसमें क्या है, थीटा ही है सर थीटा नोट है इसमें। हाँ यहाँ पे ना। ओके जी तो यहाँ पे दो चीज डिसाइड हो रही है। सर, रिजेक्ट सर, ए सब ने थीटा नॉट क्यों लिए, एक साइड ग्रेटर देन थीटा नॉट। नहीं, डेफिनेशन ना पावर का डेफिनेशन यहाँ लिख रहा है ना। ओ अच्छा, पावर। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये था कि एस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थीटा पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ यहाँ से देख के, एस क्या होगा? एस तो नंबर ऑफ वैल्यूज है ना। यस सर, एक्स आई मोर देन थीटा नॉट है। एस तो कार्डिनलिटी है। हाँ हाँ, एस कार्डिनलिटी है मतलब इस सेट की। बड़ा वैल्यूज है। हाँ तो नंबर ऑफ आईज है यहाँ पे। हाँ, सर, ये तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि एस क्या है कि मतलब एक्स आई ग्रेटर देन थीटा नॉट, और मीडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, तो एस फिर एफ नॉट पे डिपेंड करेगा ना। तो मीडियन जहाँ पे ना, तो मीडियन वो पॉइंट अगर सिमेट्रिक होगा तो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी है सीडीएफ बनाएंगे तो लेस देन हाफ, तो इधर हाफ और हाफ होगा, पीडीएफ के अंदर अगर हाफ हाफ। पहले तो ये डिसाइड करना, ऐसा ऐसा एमएसक्यू क्वेश्चन है, नहीं मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि सर एक। इसमें सी ऑप्शन था एक ही। हाँ अच्छा, विच जी, वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ही कोई करेक्ट। वैसे तो नॉन पैरामेट्रिक से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं पैरामेट्रिक नॉन, वाला तो कुछ होगा नहीं, नॉन पैरामेट्रिक मीडियन थी। नहीं हो जाएगा इसमें, पैरामीटर ही तो टेस्ट करेंगे, मीडियन थीटा है, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, ये बोल रहा है कि मीडियन थीटा नॉट होगा या नहीं होगा। तो मतलब ये क्या ऑप्शन दे रखा है कि पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा यस सर, ये आंसर दिया हुआ। ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब सिंपल होता ना, सिंपल वर्ड से सिंपल थीटा नॉट फिक्स कर देते तो इजीली आ जाता है। यहाँ पे ये पावर फंक्शन लिखा ना, पावर नहीं लिखा ना, पावर फंक्शन यस लिखा है। पावर फंक्शन पावर लिखा है। फंक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मोर देन सी एंड, है ना। तो पावर फंक्शन जो है, और डिपेंड तो करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ना पावर फंक्शन अलदाव अंडर एच वन पावर के इक्वल हो जाता है, यस सर, तो पावर फंक्शन अंडर सर वो कंपोजिट हाइपोथेसिस है तो डिपेंड तो करेगा करेगा सर। ही। हाँ, क्योंकि फंक्शन ऑफ थीटा ही आएगा, ये यस है सर, क्योंकि सी और डी कंपोजिट। तो समझ आ गया, मतलब कि सी ट्रू होगा आंसर जो होगा और डी फॉल्स होगा, बट वो फर्स्ट एंड सेकंड वाले में क्यों गलत हुआ वो ये हाँ, समझ फर्स्ट नहीं आ। फर्स्ट सेकेंड क्या बोला है कि एस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्या बोला फर्स्ट? अच्छा, कि मतलब एफ पे डिपेंड कर रहा है वो पीडीएफ पे, पीडीएफ पे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों गलत है। यस सर, वो दोनों गलत है, बट वो हाँ कैसे वो नहीं पता लगा, वो रहता है, बाकी तो हो गया क्वेश्चन। हाँ तो यहाँ पे एस जो एक्चुअली है नंबर ऑफ, आपके पास रैंडम सैंपल साइज एन का है, तो यस सर, साइज एन का रैंडम सैंपल है और एक्स आई मोर देन थीटा है, तो वैसे आई जहाँ पे एक्स आई इज मोर देन थीटा नॉट है, मतलब जो रैंडम सैंपल की वैल्यू थीटा नॉट से ज़्यादा है, सैंपल की वैल्यू जो है थीटा नॉट से ज़्यादा है, तो एस का आंसर या नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने ये हैं जो थीटा नॉट से ज़्यादा होगा। अब एस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस बोला है, जैसे एस मोर देन सी दे रखा क्रिटिकल रीजन, इसका क्या मतलब है कि विल रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एस इज मोर देन सी, सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट।
एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यू विल रिजेक्ट इट नॉट। तो मतलब विल रिजेक्ट एच नॉट एस मोर देन सी। सर ये दोनों डिस्कार्ड तब हो सकते हैं या तो कि एस को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री दिखा सकते हैं अगर कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है वो, तो दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे ऑप्शन। वही है यहाँ पे क्योंकि ये कार्डिनलिटी काउंट कर रहा है ना। यस सर, इसका तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब ही नहीं यहाँ से, का मतलब नहीं है यस सर, तो इसीलिए डिस्कार्ड कर जैसे होंगे। कितने पॉइंट है जहाँ पे सिंपली ये मोर देन है, तो वो जैसे अंडर एच नॉट इसने कहा थीटा बराबर थीटा नॉट है, तो सी डी एफ इसका हाफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन थीटा दिस इज हाफ, तो प्रोबेबिलिटी हाफ है लेस देन थीटा होने की, मोर देन थीटा होने की भी हाफ हो जाएगी इस केस में। ये है कोई एग्जांपल से काम नहीं होगा सर इसका? नहीं वो कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ये है कितने डेटा पॉइंट है जो ज़्यादा है, तो कुछ होंगे कुछ नहीं, तो इसमें श्योर नहीं है कि ये थीटा पर डिपेंड ही करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री तो है क्योंकि आई का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब एस का, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है जो कि थीटा नॉट से ज़्यादा है, और थीटा नॉट कोई गिवन नंबर है, तो डिपेंड करता है ये थीटा नॉट क्या है ना उसके हिसाब से, तो डिपेंड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दोनों है। यही होगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आई का कोई पर्टिकुलर एस का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नहीं पर्टिकुलरली, हाँ जी सर यही आंसर होना होना चाहिए कि इसीलिए इसका ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा है। यहाँ भी एम था, ये जो एस है पिछले क्वेश्चन में एम था, वो एम क्या ही था, एम का हम क्या लिया था कि एम वैसे पॉइंट है जहाँ पे इक्वल है, यस सर वो ले लिया, तो उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर थोड़ी होगा। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आई थी एम, यही तो आया था एम मोर देन के, यस तो ये है, तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इसलिए उसके बारे में कोई वो नहीं होगा, कंक्लूजन नहीं होगा। सेम ही है दोनों क्वेश्चन में, वही चीज़ है एम जो यहाँ पे वही यहाँ पे एस है, बस वो कार्डिनलिटी लिया सेट का, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा, इसीलिए वैसा है। ठीक है, बाकी ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो इसीलिए वो पावर फंक्शन डिपेंड करेगा, अगर सिंपल वर्सेस सिंपल होता तो नहीं डिपेंड करता।